क्या आपके वेट ज्यादा होने का आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस से लेना देना है? बहुत से जब पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो कहते हैं हमारा वेट ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है, हम परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते। एक्स्ट्रा वेट, ओबेसिटी, हाई वेट कैन लेड्स टू सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। क्या ये सही है या गलत है? क्या सिर्फ मेल्स में वेट की इंपॉर्टेंस है, फीमेल में नहीं है? क्या सिर्फ आदमियों को ही वजन कम करना चाहिए अगर उनको बेटर परफॉर्म करना है? इसके पीछे क्या रीजन है, कितना सच है, क्या फैक्ट है, इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। और इस वीडियो में बात करने वाली हूँ सेक्स और मोटापा, इनका क्या रिलेशन है, कैसे इसे करेक्ट किया जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए हम शुरू कर रहे थे वेट एंड सेक्स। यस, अगर आप वेट लॉस करने का एक कारण जान रहे हैं तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस आपकी बेटर होगी ही होगी। बहुत सारे रिसर्च स्टडीज ने ये प्रूफ किया है कि सेक्स और आपके वेट का सीधा लेना देना है। अगर आप अपने वेस्ट साइज में, मतलब नॉर्मल बीएमआई जो आपका होना चाहिए, उससे अगर 4 इंच से ज्यादा, इंचेस की अगर बात करूं, अगर आपका वेट ज्यादा है और आपके जो साइज है वो ज्यादा है, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल, जो कि बहुत मेन सेक्स हार्मोन है, जो आपकी अर्ज, आपकी इंटेंसिटी, आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम होती जाएगी। आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल घट करेगा तो आपका मन नहीं करेगा करने का, करेगा तो आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहोगे, आप कहीं भी कुछ नया करने के बजाय आपको इरेक्शन में प्रॉब्लम आने लगेगी, आपको प्रीमेच्योरली डिस्चार्ज होने लगेगा, आप कहीं ना कहीं डरने लगोगे नए नए पोजिशन ट्राई करने से। तो यस, हाई वेट एंड सेक्स हैज इनवर्स प्रपोर्शन, मतलब उनका जो रिलेशन है वो ठीक नहीं है। इसके साथ साथ अल्कोहल लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा लेजी लाइफस्टाइल लगा लीजिए, सेडेंट्री लगा लीजिए कि ज़्यादा उठना नहीं है, वेट नहीं करना है। मेरे जितने भी कंसल्टेशंस होते हैं, अगर किसी ने लिया है तो वो बता सकता है कि मेरे जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ, उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हाइट, वेट एंड डाइट, मतलब आप उसका कितना ध्यान रखना है और कितना फिजिकली एक्टिव है। सो इफ यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, आपका वेट ज़्यादा है तो आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस डेफिनेटली घटने वाली है। दूसरा जो रीजन मैं आपको समझाना चाहूंगी कि ये सिर्फ मेल्स में नहीं है, फीमेल्स में भी ऐसा होता है। अगर फीमेल का भी वेट ज्यादा है, मे बी उनके ब्रेस्ट का साइज ज्यादा है या उनके स्टमक लाइन पे, जहां पे हम बोलते हैं ना कि बेली फैट, अगर वो ज्यादा है तो वो नए पोजिशन या उनका लिबिडो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका भी टेस्टोस्टेरोन लेवल घटता है, एस्ट्रोजन लेवल अनबैलेंस होता है, तो उनका भी करने का बहुत ज्यादा मन नहीं करता है। दे टेंड टू रन, मतलब कि नहीं आज नहीं करते, कल नहीं करते हैं। तो ये रीजन भी एक प्रोबेबल है। अगर आप दोनों फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो आप नई नई चीजें ट्राई करना चाहेंगे और आपकी सेक्सुअल लाइफ बेटर होगी। सो हियर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंड योर वेट। तो इसको आपने मॉनिटर करना ही करना है। कार्डियो एक्सरसाइज करें, जितना ऐसी एक्सरसाइज जो आपके हार्ट बीट को तेज करे उसे करें, क्योंकि धीरे 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 आपका जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म है वो स्ट्रांग होगा और आपका वेट घटने लगेगा। एक्सरसाइज हेल्प्स टू बर्न आउट द फैट रादर देन फैट डाइट करना या एकदम से बिल्कुल पानी पे आ जाना या बिल्कुल फ्रूट्स पे आ जाना विल नॉट हेल्प। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर आप अच्छे दिखेंगे, आपका पेरेंट्स होगा, बॉडी शेप में होगी, तो वैसे भी आप अट्रैक्टिव हो जाएंगे और आपका पार्टनर का आपके पास आने का मन ज्यादा करने लगेगा। तो अगर कोई रीजन ढूंढ रहे हैं तो इसे रीजन बनाइए, अपने मोटिवेशन को रीजन बनाइए कि मैं अच्छा लगूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। साथ साथ मैं इस चीज के बारे में आपको डेफिनेटली बात करना चाहूंगी कि ओवरवेट इनडायरेक्टली आपको मेडिकल कंडीशन में भी ले जाता है, जैसे आपका बीपी बढ़ जाता है, शुगर के चांसेस हो जाते हैं, हार्ट डिसीज हो सकता है, लिवर का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो मेडिकली ये प्रॉब्लम भी ईडी की तरफ इशारा करती है। तो इनडायरेक्टली वेट गेन लीडिंग टू मेडिकल कंडीशंस एंड लीडिंग टू पुअर सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी रिलेटेड है। तो यहां पे भी आपको एक बड़ा सा लाल बत्ती जगती है कि भाई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो जाए और उसकी वजह से सेक्स में प्रॉब्लम्स ना आने लगे, तो अभी से मैं उस पर काम करना शुरू कर दूंगी। साथ साथ सिर्फ एक्सरसाइज के मामले में सिर्फ बाइसेप्स या ट्राइसेप्स एक्सरसाइज नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कीगल्स एक्सरसाइज को भी ऐड करें। कीगल एक्सरसाइज का मतलब है कि आप अपने लोअर एरिया को उठाएं, और कीगल एक्सरसाइज कैसे करनी है इसकी वीडियो यहाँ डिटेल में दे रखी है। सो कीगल एक्सरसाइज को भी अपने रूटीन में डालें एंड स्लोली एंड स्लोली स्टार्ट वर्किंग। वेट लॉस की अगर मैं बात करूं, मैंने बोला क्रैश डाइट आपने नहीं करनी है, आपने बिल्कुल वाटर बेस्ड एकदम से वेजिटेबल्स पे नहीं आना है, स्लोली एंड स्लोली ट्राई टू रिड्यूस वेट। और अगर नहीं हो रहा है और आपको लगता है मैंने बहुत कोशिश कर ली है, एक नेचुरल लाइफस्टाइल जिसमें
रेगुलरली एटलीस्ट 30 मिनट्स का वॉक हो, नेचुरल घर का डाइट हो उसे जरूर इंक्लूड करें और अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल जरूर चेक कराएं। अगर आपको आज भी लगता है कि आपका वेट ज़्यादा है तो अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कराएं और अपने डॉक्टर से, चाहे तो डॉक्टर निया मेहता से कंसल्ट करें या किसी भी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें कि क्या मुझे आगे मेरे वेट की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या मेरा ज़्यादा डायबिटीज़ की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इन सब का डायरेक्ट रिलेशन आपकी परफॉर्मेंस से है। सो आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है और ये वीडियो एक डायरेक्ट चेतावनी था टुवर्ड्स योर वेट एंड सेक्सुअल परफॉर्मेंस। बने रहें, जुड़े रहें, बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर आपके साथ में हाजिर होती हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द न्यू चैनल साइकोलॉजी सीखो और इस चैनल पे अपना प्यार देते रहें। बने रहें, बहुत जल्दी वीडियो, लाइक एंड शेयर द वीडियो।